जा रहा हूँ टमाटर प्याज की चटनी, देसी घी की चटनी। मैंने गैस को ऑन कर लिया है और इस तरह से पहले घी को पिघलने देंगे। अब घी पिघल चुका है, अब मैं इसमें प्याज डाल रहा हूँ। अब मैं प्याज को ब्राउन होने के लिए रख रहा हूँ इस पर थोड़ा सा ढक्कन लगा के इस तरह से। अब मैं इसमें चुटकी सा हल्दी, चुटकी भर, और देगी मिर्च, जैसे मैंने इसमें हरी मिर्च मिलाया है, आप चाहे तो इसमें साबुत मिर्च को कूट के और कूटी मिर्च को भी डाल सकते हैं। अब मैं इसमें टमाटर ऐड करने जा रहा हूँ। अब मैं इसमें चुटकी भर स्वाद अनुसार इसमें नमक ऐड करूँगा। इसको ढक्कन लगा के इसको टमाटर को गलने देना है। देसी घी की चटनी अब रेडी हो चुका है, टमाटर गल चुका है, अब सर्व करने के प्रोसेस पे बिल्कुल रेडी हो चुका है।